वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? देखिए, मिरर इमेज का पार्ट टू है ये आपके सामने, और बेसिक्स का मतलब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पिछले वाले टर्न में आपने ये जाना था कि भाई मिरर इमेज कैसे होता है, आपने लेफ्ट और राइट का कुछ पोर्शंस जो थे कैसे चेंज होते हैं वो ऑब्जर्व किए थे। अब बेसिकली जो बेसिक्स की सेकेंड वाली वीडियो है, इसमें आप जानोगे ABCD जो होती है हमारी, जो 26 हमारे अल्फाबेट्स हैं, उनको हम कैसे उनका मिरर इमेज कैसे ऑब्जर्व होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। काउंटिंग जो होती है हमारे टोटल मैथ्स में, जो 10 नंबर्स होते हैं हमारे 0 से लेके 9 तक, ठीक है, इनका मिरर इमेज आप देखोगे, और जो हमारी छोटी वाली ABCD होती है, स्मॉल ABCD, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो आज की इस सिंगल वीडियो में ये तीनों की तीनों चीजें आप देख लेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि SSC के जो कई सारे एग्जाम्स होते हैं मिरर इमेज के, उन क्वेश्चंस में ABCD जो होती है या नंबर्स जो होते हैं वो भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। आने वाली जो वीडियोस होंगी, नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे, उसमें आप इस चीज को देखोगे, ठीक है। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें इनका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कैपिटल ABCD की सबसे पहले मिरर इमेज बनाओ, तो जो ए होता है ना वो अनचेंज होता है, ठीक है। ए को अगर आप देखो तो ए अनचेंज रहता है, ठीक है। तो जो अनचेंज है मैं उस पर सर्कल कर रहा हूँ, देखोगे, ठीक है ना। ए क्या है? अनचेंज। बी की बात करी जाए तो बी की जब मिरर इमेज आप बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से आती है, ओके। सी की बात करो तो सी कुछ इस तरह से बनता है। डी में देखिए, वर्टिकल अनचेंज्ड और ये सेगमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है। ई में देखो, ये वर्टिकल वाला सेगमेंट ऐसे ही। अब तीनों के तीनों जो आप देख रहे हो सेगमेंट्स, ये कहां पर है? राइट की तरफ। तो तीनों के तीनों भाई कहां पर हो जाएंगे बताओ? लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे कि नहीं? तो ई की जो इमेज है वो ऐसे हो जाएगी। एफ की बात करो तो एफ वाला ये अभी भी अनचेंज्ड और ये दोनों सेगमेंट्स यहां पर। जी देखिए ध्यान से, जी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जी को कैसे बनाओगे? जी कुछ इस तरह से, ठीक है भाई। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि तीन ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं लेटर्स। एक होता है भाई जी, ठीक है, एक होता है एन, और एक होता थोड़ा सा एस। ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको ध्यान से समझने होते हैं पूरे अल्फाबेट्स में, यही तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जी आपने देख लिया। एच इज अनचेंज्ड। एच की अगर आप बात करो तो एच तो भाई अनचेंज्ड होता है। ये दूसरा वाला आपको लेटर मिला जो कि अनचेंज्ड है। अगर देखिए आई, आई भी क्या होता है भाई? अनचेंज्ड होता है ना। जे की अगर बात करी जाए तो जे कुछ इस तरह से होता है। के को देखो, वर्टिकल ऐसे और ये दोनों कुछ इस तरह से हो जाएगा। एल की बात करी जाए तो एल ऐसे। एम देखो, एम भी क्या होता है भाई? अनचेंज्ड होता है ना। तो एम भी क्या हो गया? अनचेंज्ड हो गया, ओके। एन की अगर बात करी जाए जो कि इम्पोर्टेंट है, देखो एन में ये दोनों सेगमेंट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से, आपको पता है ना कि लेफ्ट वाला जो है वो राइट में चला गया, राइट वाला जो है वो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप नोटिस करो कि भाई ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो अभी भी देखो, एक्स वाई जो है ये यहाँ पहुंच जाएगा, चेंज हो गया, क्योंकि भाई लेफ्ट में था, अब वो कहाँ आ गया? राइट में आ गया। और जो ए बी है ना वो कहाँ पर आ गया? राइट से लेफ्ट में आ गया। तो अब जरा देखो, एक्स से बी को मिलाया है आपने, तो अभी भी क्या करोगे? एक्स से ही बी को मिलाओगे, है ना। तो फाइनली आपने देखा कि एन की जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरह से होती है, ओके। तो अब तो नहीं मतलब आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कई बच्चे जो है वो बना लेते हो, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने ये बताया था, ठीक है। आगे देखिए, ओ इज अगेन अनचेंज, ठीक है। ओ भी क्या होता है? अनचेंज। तो आपको यहाँ पर टोटल 5 मिल गए जो कि अभी तक अनचेंज है। फिर देखो पी, पी की मिरर इमेज क्या होती है? कुछ इस तरह से। क्यू में देखो, क्यू जो होता है वो कुछ इस तरह से जाता है ना, ओके। अगला देखो, आर की अगर बात करी जाए तो आर में कुछ इस तरह से। एस देखो आप, एस इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करो तो ये कुछ इस तरह से, मतलब ऐसे नहीं बना एस का ये बीच वाला जो सेक्शन है। तो अगर ये अभी ऐसे है तो अब कैसे होगा? कुछ इस तरह से। और देखो नीचे वाले सेगमेंट से क्या करा गया? कुछ इस तरह से, है ना, लेफ्ट की तरफ। तो अब यहाँ से क्या? राइट की तरफ। ऊपर वाले सेगमेंट से राइट की तरफ आए, तो अब कहाँ हो गए भाई? लेफ्ट की तरफ। तो एस की मिरर इमेज कुछ इस तरह से, है ना। टी भाई, टी क्या होता है? अनचेंज। यू भी क्या होता है? अनचेंज। अब आपको सारे अनचेंज वाले दिख रहे होंगे। डी भी क्या होता है? अनचेंज। अगेन डब्ल्यू भी क्या होता है भाई? अनचेंज होता है। एक्स की बात करी जाए तो एक्स भी अनचेंज। वाई की बात करो तो ये वाला वाई तो अनचेंज होता है, लेकिन नीचे वाला वाई थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ये वाला जो सेगमेंट बड़ा आपको दिख रहा है, ये आप ऐसे बनाओगे और छोटी वाली लाइन जो कुछ इस तरह से। तो इस वाई वाली की जो ये वाला वाई है, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी है, ठीक है। और अगर आप जेड की बात करो तो जेड कैसे? कुछ इस तरह से ना। अब जरा देखो, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो एक्स वाई तो अभी भी चेंज होके वाई एक्स बने होंगे, ये तो कन्फर्म है। और ए और बी जो है ये चेंज होके भाई बी और ए बन गए होंगे, ऐसे। अभी देखो ए से वाई को मिलाया, तो अभी भी आप ए से ही वाई को मिलाओगे, तो फाइनली जेड की मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया। तो ये करते ही आपने क्या करा, देख लिया कि पूरी जो कैपिटल ABCD होती है उसमें देखिए 1 2 3 4 5
ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल 11 ऐसे आप देखो तो अल्फाबेट्स हैं जो कि अनचेंज्ड होते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो नहीं पूछा जाता लेकिन होपफुली अगर कभी ऐसा मान लीजिए पूछ दिया जाए, ठीक है, कि बताओ भाई मिरर इमेज में कौन से, मतलब ABCD जो होती है पूरी 26 लेटर्स, इसमें मिरर इमेज कितने लेटर्स के चेंज नहीं होते, ठीक है, तो अब आप वहां पे सबके बना के तो नहीं देखोगे ना, तो आपने यहाँ से देख लिया कि भाई 11 टोटल ऐसे होते हैं जिनकी मिरर इमेज चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो कौन कौन से आपको पता है। अब देखिए काउंटिंग ही जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। 0 की मिरर इमेज 0 ही आती है, ठीक है, इस वाले 1 में देखो अभी कहां पर है, लेफ्ट की तरफ, अब कहां हो जाएगा राइट की तरफ, ये वाला 1 क्या हो गया अनचेंज। 2 को देखो भाई, 2 कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। 3 की बात करी जाए तो 3 कुछ इस तरह से, 4 की बात करी जाए तो 4 में ऐसे, ये वाला 4 देखो, अब ये वाला जो सेगमेंट है अभी राइट में है तो ये कहां आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये वाला इधर, तो इस 4 की मिरर इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी। 5 देखो भाई, 5 कुछ इस तरह से, 6 जो है वो इस तरह से, 7 में लाइक दिस, और ये वाला जो 7 है ये तो ऐसे बनेगा। 8 देखो, 8 में क्या होता है आपके जो सिलेबस है उसमें 8 ऐसे बनता है, 2 सर्कल्स एक के ऊपर एक रखे हुए, ठीक है, तो वो भी अनचेंज आया। और 9 की बात करी जाए तो देखो 9 में अभी यहां से आ रहा है तो अब यहां से कुछ इस तरह, ठीक है भाई, तो आपने देख लिया कि काउंटिंग्स जो होती हैं उसकी मिरर इमेज कैसे होती है, वो भी आपने यहाँ पर फिनिश कर लिया। अब देखिए स्मॉल ABCD की बात करते हैं, तो स्मॉल ABCD में देखो ये तो अनचेंज है अभी भी, ठीक है, यहाँ से ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और फिर देखो यहाँ से ये ऐसे और फिर इसको थोड़ा सा, तो आपने देखा कि जो ये ए है ए की मिरर इमेज कुछ ऐसे बनती है, ठीक है भाई, कुछ ये बनती है ए की मिरर इमेज, ठीक है। बी की बात करी जाए तो देखो बी में क्या होगा, बी जो होता है ना वो डी बन जाता है, ध्यान रखिए बी जो है वो डी बन जाता है, सी में कुछ इस तरह से, और डी जो है वो क्या बन जाएगा बी बी बन जाएगा, जब बी डी बना है तो फिर भाई बी जो है वो क्या बन जाएगा बी बन जाएगा, है ना। ई देखो ई लाइक दिस कुछ इस तरह से, एफ देखो एफ में ऐसे हो जाएगा आपका, है ना, एफ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो जी, जी थोड़ा सा मोड़े ध्यान लेकर, जी ये तो आप ऐसे बनाओ, फिर देखो ये ऐसे आ रहा है फिर यहाँ से यू मुड़ गया इस तरह से जी है। एच देखो एच कुछ इस तरह से बना दीजिए, ये ऐसे आया। अब देखो ये जो है सेगमेंट, ये जो मुड़ा हुआ सेक्शन है एन जो आपको लग रहा है वो इसकी तरफ है ना, तो अभी भी आप इसकी तरफ ही बनाओगे कुछ इस तरह से। आई देखिए भाई, आई की मिरर इमेज कुछ इस तरह से, है ना, आई जो है वो जे बन जाता है, जे जो होता है भाई वो आई बन जाता है मिरर इमेज में, छोटा वाला जो ABCD होती है उसमें। के को देखो, के को ऑब्जर्व करो, के कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसमें अगर ये वाला के की बात करोगे आप तो देखो ये इधर से आ रहा तो ये यहाँ से आएगा, है ना। अभी देखो ये वाला जो सेक्शन है वो इसकी तरफ है तो अभी भी ये सेक्शन किसकी तरफ, इसकी तरफ ही आएगा। एल देखिए, एल कुछ इस तरह से बनेगा, एम देखो एम कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना, एन को अगर आप देखोगे तो एन भी इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओ तो भाई अनचेंज है, ओ तो ओ ही रहेगा। पी की अगर आप बात करो तो पी कुछ इस तरह से, क्यू में देखो क्यू में अभी ये राइट की तरफ से आ रहा है अभी ये लेफ्ट की तरफ आके ऐसे हो जाएगा। R देखिए, R तो ऐसे ही बनेगा, R भी क्या हो गया अनचेंज हो गया, लेकिन अगर आप इस वाले R की बात करो तो देखो ये वाला R कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, ये वाला R कुछ ऐसे बनेगा। फिर देखो ये वाला जो S है ये आप कुछ ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये मिलाया गया तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, कोई बात नहीं। T को देखो, T जो है वो इस तरह से, है ना, U भी अभी ये नीचे इधर से आ रहा है तो ये लेफ्ट से हो जाएगा। V को देखो, V आप ऐसे बना लो, अभी ये राइट की तरफ है अभी ये मुड़ के लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, है कि नहीं, तो देखिए बी भी आपने बना लिया। W जो है वो तो अनचेंज होता है, ठीक है, X जो होता है वो भी अनचेंज होता है। Y की अगर बात करी जाए तो देखो राइट से नीचे आया तो अभी राइट से आएगा, अभी ये राइट में गया है अभी ये लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, तो देखो Y भी बन गया। उसके बाद देखिए Z अभी आपने सीखा ना Z कैसे बनाते हैं, अभी आपको देखो यहाँ पर कैपिटल वाले में Z सिखाया भी था मैंने, है ना, तो वैसे ही Z वहां पर भी होगा। और अगर कोई Z ऐसे बनाता है, ठीक है, तो आप इस वाले Z को कुछ इस तरह से देखेंगे, ओके। तो फाइनली आपने जो ABCD है, ठीक है, बड़ी ABCD जितने भी छोटी ABCD है वो और काउंटिंग जो होते हैं 0 से लेकर 9 तक वो आपने सारे के सारे कर लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको भाई ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए इसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी इसके फर्दर, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ओके। तो होपफुली आपने एंजॉय करी वीडियो, थैंक यू।